Hello students, welcome once again in our channel Coaching for You. So we are with some more questions. Today I'll be showing you how to solve the question, how to draw the structure and formula, electron dot structure and formula. So the question is, what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? Formula and electron dot structure of cyclopentane. So the formula of cyclopentane, actually pentane means 5. So actually formula of cyclopentane is C5H10 and its structure cyclo. Since it is cyclo, formula ho gaya C5H10. Aur iska structure dekhiye. Structure dekh ke kya lag raha hai aap log? Structure bahut hi bhayanak lag raha hai ki nahi? बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, भयानक। अभी ये कहाँ से क्या किया जा रहा है ये पता नहीं चल रहा है, ये स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा है। बहुत ही भयानक सा स्ट्रक्चर बन गया। इसको आप लोग ज़्यादा अगर इसको क्लोजली वॉच करेंगे तो शायद समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, मैं उसका मतलब कोई गारंटी नहीं लूँगा। बट ये स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप लोग को ओलंपिक का सिंबल पता होगा। ओलंपिक्स में सिंबल होता है 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सर्कल बनाइए और इसमें क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 5 कार्बन। सो एक कार्बन का साथ 2 हाइड्रोजन हमेशा साथ में रहता है, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। सो कार्बन का जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 4, दैट मीन्स इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 4, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज 4। सो 4 हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाला कार्बन के लिए यहाँ पे, ये वाला कार्बन का भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ये वाला कार्बन का एक और एक बचा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे लिखिए, ये वाला कार्बन का भी यहाँ पे लिखिए और फिर यहाँ पे एक लिखिए, ये इस पे लिखिए। ये मतलब ये कॉमन कॉमन जो है ना, यहाँ पे दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। टोटल कितना होता है? 4 होता है। ये क्रॉस का मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम आप लोग डायरेक्टली देखेंगे तो आप लोग बहुत मतलब आप लोग का मतलब टोटली आप लोग कंफ्यूजन में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये वाला तरीका से अगर बनाएंगे तो सर्कल को आप लोग को अच्छे से बनाना है, कंपास यूज़ करना है, कंपास इज कंपलसरी। सो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2 कार्बन का 2 बचा हुआ था, 1, 2, 3, 4, एक कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, बहुत ही ईजी तरीका से हो गया। तो मैंने उसको ऑलरेडी इसको सॉल्व किया था, लेकिन ये वाला तरीका से मुझे अप्लाई करना चाहिए था। सो पहले सर्कल, 5 सर्कल बनाइए ओलंपिक का जैसा सर्कल। सो कार्बन, एक्चुअली कार्बन को वैलेंस, उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस, नोबल गैस मतलब कार्बन का नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम और उस तरफ नियोन, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन? 2, 8। सो 8 बनने के लिए कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन, कार्बन विल गेट 4 इलेक्ट्रॉन, वेट, so we have to place this hydrogen's electron also inside this, I think in most cases we have not done yet, so we'll put this, we can put this here, yes, no problem, we can put this here, no problem, we can put this electron here, we have to put this electron here, otherwise it will be incorrect. We have to put this one here as well as this one here
and this one can be put here. That means this one dot means electron of hydrogen and one dot means electron of carbon. So hydrogen electronic configuration is one, so its nearest noble gas is helium, 2. So hydrogen has to get 2, matlab hydrogen ko 2 chahiye. देखिए 2 हो गया, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन के लिए और ये वाला पार्ट जो सर्कल बड़ा वाला सर्कल कार्बन का है, ये छोटा वाला सर्कल हाइड्रोजन का है और बड़ा वाला सर्कल कार्बन का है. सो हम लोग इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और ये मैक्सिमम 2 मार्क का आ सकता है, लाइक फॉर्मूला के लिए 1 मार्क, नहीं तो स्ट्रक्चर के लिए 1 मार्क, और ओनली फॉर स्ट्रक्चर 2 मार्क भी दे सकते हैं कभी कभी.